राम राम दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भौतिक राशियाँ एवं मात्रक। ठीक है, तो हम पहले भौतिक राशियों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम या फिर उसके साथ ही जैसे जैसे भी हमें ठीक सुटेबल लगेगा हम मात्रक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। भौतिक राशियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि ये भौतिक राशियां क्या होती हैं। ठीक है, तो वे राशियां, कौन सी राशियां? वे राशियां जिसे नापा या फिर मापा या फिर तोला जा सकता है, वो क्या कहलाती है? भौतिक राशियां। उदाहरण, आप द्रव्यमान को तोल सकते हो क्या? 1 किलो, 2 किलो। ठीक है, आप लंबाई नाप सकते हो क्या? 1 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, आप क्या क्षेत्रफल नाप सकते हो क्या? प्लॉट कितना बड़ा है, ठीक है, कोई ज़मीन कितने एरिया की है, ठीक है, किसी देश का क्षेत्रफल कितना है। इसके अलावा आप क्या नाप सकते हो? आप आवाज़ नाप सकते हो क्या डेसीबल में? आगे आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो हर वो क्वांटिटी, हर वो राशि जिसे नापा मापा या तोला जा सकता है क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, अब भौतिक राशियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, हमारे पास मनुष्य के पास क्या है? इंद्रियां। इंद्रियां जैसे कि आँख, आँख से क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं। ठीक है, नाक सूंघ सकते हैं, कान ध्वनि सुन सकते हैं, त्वचा स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं, और इससे ताप का अनुभव हो जाता है कि क्या चीज़ गर्म है, क्या चीज़ ठंडी है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, मनुष्य की इन इंद्रियों से हम भौतिक राशियों का केवल और केवल तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने एक बार देखा सूरज को, ठीक है, आप उसके बाद कहीं और देखोगे, ठीक है, तो आपको अंधकार नज़र आता है थोड़ा थोड़ा, तो आपको लग जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा प्रकाश की तीव्रता तेज़ है, यहाँ पे कम है, या फिर आप धूप की तरफ देखते हैं और छाया में देखते हैं, आपको समझ में आ जाता है इधर प्रकाश की तीव्रता धूप में ज़्यादा है, छाँव में कम है। वैसे ही दूसरा उदाहरण, त्वचा। आपने गर्म पानी में हाथ डाला, फिर आपने कम गर्म पानी में हाथ डाला, आपको पता लग जाएगा कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है। लेकिन ये तुलनात्मक अध्ययन एक हद तक ही हो सकता है, और हमेशा इस बात ये बात सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास दो बर्तन हैं, ठीक है, इसमें पानी बहुत ठंडा है, समझ लीजिए पानी है इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, एक बर्तन है मेरे पास, इसमें पानी बहुत गर्म है, समझ लीजिए 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, अब मेरे पास बीच में एक पात्र है जिसपे पानी है मेरा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब क्या होगा? मैंने एक व्यक्ति का लेफ्ट हैंड डाला किसमें, सॉरी, एक व्यक्ति का मैंने राइट हैंड डाला 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पात्र में, और इस व्यक्ति का दूसरा हाथ मैंने डाला लेफ्ट वाला 65 डिग्री के सेंटीग्रेड। थोड़ी देर मैं इन पात्रों में इन हाथों को रखे रहने देता हूँ। अब बाद में मैं इस व्यक्ति के ये दोनों हाथ कहाँ में डालता हूँ? 40 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो देखना भ्रम कैसे होता है हमें, इस ठंडे पानी में जो हाथ राइट हैंड साइड में था वो जब 40 डिग्री वाले पात्र में जाएगा तो इस वाले हाथ से हमें क्या अनुभूति आएगी कि ये पानी गर्म है। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरा हाथ 65 डिग्री से 40 डिग्री में आएगा, उस हाथ में हमको क्या फीलिंग आएगी कि ये पानी ठंडा है। तो अब बताओ ये पानी ठंडा है या गर्म है। ठीक है, एक्चुअली मैं ये हमें तुलनात्मक अध्ययन दे रहा था। ठीक है, तो मनुष्य की इंद्रियों के माध्यम से हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं? तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन हमको इनका सापेक्ष अध्ययन, मतलब रिलेटिव, ये किसने कितना गुना ज़्यादा है या कितना ज़्यादा है, उसका एब्सोल्यूट अध्ययन करने के लिए हमको क्या किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ी? भौतिक राशियों की। उनको नापने की आवश्यकता पड़ी, मापने की आवश्यकता पड़ी उन्हें, हर और हर जिस चीज़ को हम नाप पाए माप पाए उसको हमने क्या कहा? भौतिक राशि। ठीक है, तो अब भौतिक राशि किन को कह सकते हैं? हर वो चीज जिसे नापा तोला या मापा जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती है। देखो, अब भौतिक राशियों को अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी भी भौतिक राशि को दो तरीके से, मतलब एक रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कोई भी भौतिक राशि को लिखने का तरीका होता है उसका भौतिक राशि। भौतिक राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि को कैसे लिखेंगे हम? भौतिक राशि को एक तो परिमाण, परिमाण परिमाण माने
मैग्नीट्यूड वैल्यू, ये कोई आंकिक मान होगा, 2, 4, 6, 5, 15, 1000, ठीक है, इनटू उसका मात्रक, ठीक है। अब ये मात्रक पिक्चर में आ गया नया, क्या चीज होता है देखेंगे, पर यहां से हमको ये समझ में आया कि हम किसी भी भौतिक राशि को कैसे लिखते हैं, हम किसी भी भौतिक राशि को उसके परिमाण एवं मात्रक के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण मैं बताता हूं, एक बालक है रमेश, रमेश का वजन कितना, रमेश का वजन है 50, 50 थोड़ी है, रमेश का वजन 50 किलो है, तो हमने कैसे लिखा, मैग्नीट्यूड मात्रक, ठीक है। जयपुर से जोधपुर की दूरी कितनी है, सपोज 200 किलोमीटर, तो 200 नहीं है दूरी, क्या है, 200 किलोमीटर, तो हमने क्या लिखा, मैग्नीट्यूड इनटू मात्रक। तो हम किसी भी भौतिक राशि को कैसे लिखते हैं, परिमाण एवं मात्रक के गुणनफल के रूप में, ठीक है। आगे इस मात्रक को भी देखेंगे और इसमें और क्या क्या विशेष बातें हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले भौतिक राशियों पर लौट के आ जाते हैं, भौतिक राशि में और क्या जानने का है। देखो मैंने ये तो कहा कि भौतिक राशि हर वो क्वांटिटी जिसे नापा तोला या मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। अब मेरे पास भौतिक राशियां कैसी होती है, मेरे पास भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, एक होता है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ठीक है। अब देखो, अब मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं, मूल भौतिक राशियां उन राशियों को कहते हैं जिन्हें किसी और भौतिक राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब ये स्वतंत्र राशियां हैं, स्वतंत्र राशियां। दूसरा पॉइंट, किसी और भौतिक राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, समझो इस बात को। देखो स्वतंत्र भौतिक राशियां मतलब ये अपने आप में जो हैं बस वही हैं और इन्हीं से बाकी का एग्जिस्टेंस आएगा। देखो मूल भौतिक राशियों में क्या आता है, मेरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम काई में नापते हैं, किलोग्राम में, एक उदाहरण ले लेते हैं, कई चीजों में नापते हैं, मान लो किलोग्राम में। किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपका वजन कितना है, आप क्या कहेंगे कि सर 50 किलोग्राम। अब ये जो द्रव्यमान है ये एक स्वतंत्र भौतिक राशि है, आप इस द्रव्यमान को किसी और राशि के पदों में व्यक्त कर सकते हैं क्या, क्या आपको लंबाई के रूप में दिखा सकते हैं क्या, आप क्या इसको प्रकाश के रूप में दिखा सकते हैं क्या, ये केवल और केवल द्रव्यमान ही रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्वतंत्र भौतिक राशि, आगे अपने आप स्वयं समझ में आएगा, ये अपने आप में स्वयं का अस्तित्व रखती है, स्वयं का, स्वतंत्र रूप से, ठीक है। दूसरा ऐसे ही उदाहरण है लंबाई, 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 जैसे जोधपुर से जयपुर की लंबाई 200 किलोमीटर। अब इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं बता सकते हम, ये अपने आप पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, लंबाई एक क्या है, स्वतंत्र भौतिक राशि, तो ये क्या है, मूल भौतिक राशि। लंबाई के अलावा और क्या आ जाएगा, लंबाई के अलावा कोण को नापना डिग्री में, ठीक है, वो स्वतंत्र भौतिक राशि आ जाएगी, ठीक है। समय, समय को हम कहीं में नापते हैं, सेकंड में, मिनट में, आवर में, दिन में, वीक में, मंथ में, ठीक है। तो ये सब क्या है, स्वतंत्र भौतिक राशियां हैं। अब स्वतंत्र भौतिक राशियों के बाद हम आते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां हम इसका उल्टा लिख देते हैं, ठीक है, वे राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती, अर्थात ये मूल भौतिक राशियों द्वारा व्युत्पन्न राशियां हैं। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण वेग, चाल, चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटा समय। अब मेरे को बताओ चाल क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न मतलब ये किसी से उत्पन्न हुई है, किससे उत्पन्न हुई है, ये दूरी, दूरी मतलब लंबाई मीटर, और समय, समय मतलब टाइम या सेकंड लिख दो, ठीक है। तो चाल क्या हो गई, मीटर पर सेकंड या दूरी बटा समय। तो
तो ये एक भौतिक राशि है जो उत्पन्न हुई है दो अलग अलग भौतिक राशियों से, और ये दो भौतिक राशियां कौन सी है? मूल भौतिक राशियां। तो चाल क्या है? चाल व्युत्पन्न भौतिक राशि है, और व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होती है? जो मूल राशियों या किन्हीं अन्य राशियों के द्वारा उत्पन्न होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है, ये स्वतंत्र नहीं होती, इसे किसी अन्य भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। देखो हमने चाल को लिखा कि नहीं लिखा, दूरी गुणा समय, लिखा कि नहीं लिखा? तो दो भौतिक राशियों के पदों में हमने चाल को लिखा, तो व्युत्पन्न राशियां। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, समय बराबर, समय बराबर क्या हो जाता सर? दूरी बटे चाल। तो इस तरीके से तो हमने समय को भी तो दो भौतिक राशियों के पदों में लिख दिया, तो ये मूल भौतिक राशि कैसे हो सकती है? ये भी तो व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी। लेकिन लाला मेरे देखो, जिसे तुम दो राशियों के पदों में लिख रहे हो उसमें स्वयं में ये समाया हुआ है चाल। चाल कोई एब्सोल्यूट नहीं है, चाल में खुद समय समाया हुआ है। चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। अब ऐसा हो सकता है क्या कि कोई आपसे पूछ रहा है कि लंबाई की परिभाषा दो, तो उस परिभाषा में मतलब कोई जो लंबाई का मीनिंग नहीं जानता उसको लंबाई का मीनिंग समझाओ, परिभाषा दो मतलब। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं क्या कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी उनके बीच लंबाई कहलाती है? अब मैं ऐसे थोड़ी ना कह सकता हूं कि दो बिंदुओं के बीच की लंबाई लंबाई कहलाती है। परिभाषा में तो मैं लंबाई शब्द नहीं ला सकता ना, क्योंकि वो उससे परिचित ही नहीं है, तभी तो हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे ही जब मैं समय को जानता ही नहीं हूं, तो मैं जिससे व्युत्पन्न कर रहा हूं उसमें भी मैं समय को कैसे यूज ले सकता हूं? मतलब इसको मैं इसके पदों में नहीं लिख सकता स्वतंत्र रूप से, क्योंकि इसमें भी यह समाया हुआ है। ठीक है, तो जो मेरी मूल राशियां हैं वो स्वतंत्र राशियां हैं, उसे अन्य राशियों के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। किंतु व्युत्पन्न भौतिक राशियां स्वतंत्र भौतिक राशियां नहीं है, उसे किसी अन्य राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। इसके अलावा समय के अलावा त्वरण भी ले लो, त्वरण भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है, उसमें क्या आ जाता है? त्वरण में दूरी बटा समय का वर्ग आ जाता है। ठीक है, या फिर वेग में परिवर्तन की दर ही तो त्वरण कहलाता है, तो वेग में परिवर्तन की दर वेग बटा समय आ जाता है, ये भी एक भौतिक राशि है। ठीक है, समय भी एक भौतिक राशि है। इन दो भौतिक राशियों के पदों में मैं इसको लिख पा रहा हूं, तो त्वरण एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। त्वरण को देखो मैं वेग और समय के पदों में भी लिख रहा हूं, लिख रहा हूं ना, तो ये मेरी व्युत्पन्न भौतिक राशि है। ठीक है, अब ये बात हो गई मेरे पास भौतिक राशियां कौन कौन सी होंगी। एक तो होगी मूल भौतिक राशियां, दूसरी होगी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब हम एक चीज भूल रहे हैं, हमने लिखा था भौतिक राशियों को हम उनके परिमाण एवं मात्रक के गुणनफल के रूप में दर्शाते हैं। तो ये जो अड़ंगा था मात्रक, इससे निपटते हैं। ठीक है, देखो मात्रक क्या होता है? जब मैंने भौतिक राशियों के बारे में जानना शुरू किया या उनकी आवश्यकता महसूस हुई, तो मैं भौतिक राशियों को परिमाण इनटू मात्रक के गुणनफल के रूप में दिखा रहा हूं ना। मतलब ये जो क्वांटिटी होगी, जैसे 50 किलो, तो ये 50 किलो मतलब क्या है कि ये किलो का 50 गुना है। गुना है मतलब क्या? गुना है। 25 किलो मतलब ये किलो का 25 गुना है। ठीक है, 250 मीटर मतलब क्या? ये मीटर का 250 गुना है। ठीक है, तो ये सब क्या है? मात्रक है। तो मात्रक, मात्रक किसे कहा गया कि शुरुआत में, प्रारंभ में किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को एक निश्चित, निश्चित किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित नियत, निश्चित नियत, निश्चित मतलब जैसे कि मैं द्रव्यमान की बात करूं, तो उन्होंने लिया कि यार इतना ले या इतना ले या इतना ले। ठीक है, उन्होंने फिक्स कर लिया, चलो ये वाला ले लेते हैं। तो एक निश्चित नियत, ये फिक्स कर दिया हमेशा के लिए। ठीक है, इसका जो भी भार आएगा, एक निश्चित नियत मान को तय कर दिया गया हमेशा के लिए। ठीक है, तो उस निश्चित नियत मान को ही क्या कहा गया? उस भौतिक राशि का मात्रक कहा गया। जैसे जब भार को तोलने की बात आई थी, तो डिसाइड कर दिया गया कि भाई ये एक लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा है, इसका जो वजन है हम उसको 1 किलो कहेंगे। ठीक है, अब इन्होंने 1 किलो तय कर दिया, 1 किलो तय कर दिया तो सारी समस्या खत्म।
कोई बड़ा टुकड़ा है तो उस बड़े टुकड़े में इसका कितना गुना वजन है, सपोज इसका 2.5 गुना वजन है तो इसका वजन कितना हो जाएगा, 2.5 किलो। ठीक है, इसके 100 टुकड़े कर दिए, 1000 टुकड़े कर दिए तो उन्हें क्या कह दिया गया, ग्राम। लेकिन शुरुआत में 1 किलो को तो फिक्स किया गया ना, तो जो शुरू में जो फिक्स की गई क्वांटिटी है किसके लिए, ये द्रव्यमान के लिए, तो ये द्रव्यमान का मात्रक हो गया। किलोग्राम किसके लिए फिक्स किया, द्रव्यमान के लिए, तो ये क्या हो गया, द्रव्यमान का मात्रक हो गया। ऐसे ही कुछ निश्चित मान, अब मैं बोल रहा हूं यहां से जयपुर से जोधपुर की दूरी कितनी, 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर, चलो 200 तो मुझे समझ में आता है, लेकिन ये किलोमीटर क्या है, तो किसी ने किलोमीटर फिक्स किया होगा। किलोमीटर में भी एक बार मैं मीटर देखूं, मीटर फिक्स किया होगा, तो किसी ने बोला यार किसको बोलें हम, इसको बोलें, इसको बोलें या इसको बोलें या हम इसको बोलें, तो जैसे किसी ने डिसाइड कर दिया कि यार चलो इसको मीटर बोल देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, तो इसको मीटर बोलें, तो अब कोई ज़्यादा दूरी होगी तो इसके पदों में व्यक्त कर सकते हैं, दुगुनी होगी तो 2 मीटर, तिगुनी होगी तो 3 मीटर, 10 गुनी होगी तो 10 मीटर, 1000 गुनी होगी तो 1000 मीटर, 5000 गुनी होगी 5000 मीटर। ठीक है, तो वैसे ही ये शुरुआत में जो फिक्स वैल्यू डिसाइड की गई थी इसको क्या कहा गया, मीटर। तो मीटर किसका मात्रक हो गया, ये निश्चित वैल्यू हो गई ना जो फिक्स कर दी हमेशा के लिए, तो मीटर किसका मात्रक हो गया, मेरा लंबाई का। ऐसे हर एक क्वांटिटी के लिए एक फिक्स क्वांटिटी प्रारंभ में तय कर दी गई और उसी जो क्वांटिटी थी उसको क्या कहा गया, उस भौतिक राशि का मात्रक। अब जैसे मेरे पास भौतिक राशियां 2 प्रकार की हैं, वैसे ही मेरे पास मात्रक भी क्या हैं, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से 2 प्रकार, वही 2 प्रकार मात्रक। मात्रक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक तो मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक, अब देखो सरल शब्दों में बताऊं तो जो मेरी मूल भौतिक राशियां थी, मूल भौतिक राशियां किने कहा था, जिन्हें किसी और राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो स्वतंत्र हैं, अपने आप का अस्तित्व रखती हैं, मूल भौतिक राशियां। तो जो मूल भौतिक राशियां हैं उनके मात्रकों को क्या कहा गया, मूल मात्रक। ठीक है, या फिर वे मात्रक जिन्हें किसी और राशियों के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेरे पास समय क्या आया था, समय आया था दूरी बटा चाल, और मैंने कहा था कि समय मेरा मूल मात्रक है, तो समय को एक बार के लिए मैं सेकंड लिख लेता हूँ, तो दूरी को क्या लिखूंगा मैं, दूरी को मैं लिखूंगा मीटर, चाल को क्या लिखूंगा मैं, मीटर पर सेकंड। आप कुछ भी कर लो, अगर आपको इस साइड में सेकंड तो लाना ही होगा, अगर आप इस साइड में सेकंड यूज नहीं करेंगे तो आपका सेकंड कभी नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं मैं सेकंड को सेकंड के पदों में ही ला रहा हूँ, बेवकूफ बना रहा हूँ ये तो मैं, ठीक है, तो मैं और कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है मेरे पास कि मैं डायरेक्ट सेकंड ला सकूं, तो मेरा क्या है, सेकंड स्वतंत्र है। तो समय क्या हो गया, मेरा मूल, मतलब समय का मात्रक जो सेकंड है वो क्या हो गया, मेरा मूल मात्रक हो गया। तो मैं मूल भौतिक राशियों के मात्रकों को क्या कहूंगा, मूल मात्रक। वैसे ही जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां थी कौन कौन सी थी, वेग, त्वरण, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब जो है ये व्युत्पन्न भौतिक राशियां, उनके मात्रक को क्या कहूंगा मैं, व्युत्पन्न मात्रक। तो अब तक हमने ये बात कर ली कि मात्रक मेरे कैसे होंगे, या तो मूल मात्रक होंगे या व्युत्पन्न मात्रक होंगे, ठीक है। अब मैं ये बात करता हूँ कि जब ये मात्रक तय किए जाते हैं, ठीक है, तो मात्रक के चयन में क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो हमारा टॉपिक है मात्रक के चयन में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। अब देखो क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए, पहली बात कॉमन सेंस वाली बातें हैं, पहली बात मात्रक न तो बहुत बड़ा हो न बहुत छोटा हो। जैसे जब ये मात्रक डिसाइड किया गया था तो इतने बड़े भाग को कहा गया 1 किलोग्राम, अगर ये क्या करते, ये इतने बड़े भाग को 1 किलोग्राम कह देते तो दैनिक जीवन में जो चीज़ें उपयोग में आती है तो हम हमेशा क्या कहते रहते, हम 1/10 ग्राम चावल देना, 1/25 ग्राम ये देना, अभी तो क्या होगा, उसने आम तौर पे जो भाग काम में आता है उसको उसके अनुरूप ले लिया, तो चीज़ें सहूलियत भरी हो गई कहने के लिए, ठीक है। तो आमतौर पर मेरा मात्रक कैसा हो, छोटा भी ना हो बड़ा भी ना हो, हो सकता है ये इसको एक किलोग्राम कह देते इतने से पार्ट को, तो हम क्या कहते, हमको इतनी भिंडी लानी होती तो, ये मान लो इसका 1000 गुना है तो 1000 किलो भिंडी देना, ठीक है।
ठीक है, तो ऐसा ओड ना लगे हमको चीजें, इसलिए मात्रक न तो बहुत बड़ा हो न बहुत छोटा हो, क्या हो, न तो बहुत बड़ा ना ही बहुत छोटा। जब मात्रक वो जो क्वांटिटी तय की जाती है उसमें ये ध्यान रखी जाए कि वो ठीक ठीक हो। दूसरा, मात्रक ऐसा हो जिसको सरलता से परिभाषित किया जा सके, ठीक है, मात्रक ऐसा हो जिसको सरलता से परिभाषित किया जा सके, सरलता से परिभाषित शित। जैसे अंदाजा मैं बताता हूँ, ठीक है, कि एक मीटर कितना होता है, कि तकरीबन एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की हाथ की भुजा की लंबाई जितना एक मीटर होता है, तकरीबन कह दिया ना, तो सरलता से परिभाषित कर देते हैं हम, आकलन लग सकता है। तीसरा, मात्रक ऐसा हो जिसको आसानी से पुनः स्थापित किया जा सके, पुनः स्थापित पित किया जा सके। जैसे कि पुनः स्थापित मतलब क्या, कुछ ऐसा मामला हुआ कि आपके पास जो मात्रक आपने डिसाइड करे थे वो टूट फूट गए या नष्ट हो गए, ठीक है, तो आपके साथ आपने बहुत सारी कैलकुलेशन कर ली और खूब सारे आंकड़े बना लिए, इस व्यक्ति का वजन 50 किलो, ये किलो, ये किलो आपने बना के रखा था, ठीक है, तो और पता लगा कि बाद में 50 किलो में ही जंग लग गया, जंग लगने के कारण ये कोरोजन होके इसका वजन 1 किलो से कम हो गया, तो क्या उस आदमियों के वजन बढ़ गए क्या, इसकी तुलना में तो अब ये भार कम हो गया तो इसकी तुलना में इन भारों का मान अधिक हो गया, तो क्या उस आदमी का मान भार अधिक हो गया क्या, नहीं हुआ ना, वो तो 50 किलो ही है लेकिन मेरा 1 किलो तो छोटा हो गया, तो मेरे को वापस 1 किलो को बनाना है, तो मैंने पहले किसको परिभाषित किया था 1 किलो, या मैंने लंबाई को परिभाषित किया था, तो मैंने किसको परिभाषित किया था लंबाई को, कि यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी, 1 मीटर होगी, तो आपके मात्रक ऐसे हो जिसको हम पुनः स्थापित कर सके, किसी कारणवश वो नष्ट हो गए तो हम फिर से बना सके, जैसे मैंने बताया था सरलता से, कि जब कुछ नहीं होगा सब डैमेज हो जाएंगे, तो भाई यहां से यहां तक की दूरी मैंने क्या ली थी, 1 मीटर, तो मैं फिर से स्थापित कर सकता हूं ना, एक स्केल ले लूंगा इतनी लंबाई का, ये 1 मीटर हो गया, ठीक है, तो मात्रकों को आसानी से पुनर्स्थापित किया जा सके। चौथा, मात्रक क्या हो आपका, सर्वव्यापी हो, सर्वव्यापी हो, ठीक है, देखो मात्रक सर्वव्यापी हो मतलब, अब मैंने मात्रक तो यहां पे बना दिया 1 मीटर इतना लंबा, अब मैंने इसकी एक छोटी सी परिभाषा क्या दी, कि एक स्वस्थ मनुष्य की एक हाथ की भुजा की लंबाई कितनी होगी, 1 मीटर, लेकिन ये परिभाषा किस रेस्पेक्टिव में सही है, ये साउथ एशिया के रेस्पेक्ट में, जो हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों की हाथ की भुजा की लंबाई तकरीबन क्या होती है, 1 मीटर के बराबर होती है, लेकिन हम कहाँ चले जाएंगे, हम चले जाएंगे अगर हम जापान, कोरिया, तो वहाँ के लोगों की हाथ की लंबाई छोटी होती है, तो क्या वहाँ मीटर छोटा हो जाएगा क्या, अगर हम अफ्रीका चले जाएंगे उन लोगों के हाथ की लंबाई ज़्यादा होती है, तो क्या मीटर बड़ा हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं है, आपको जो मात्रक बनाना है वो सर्वव्यापी बनाना है, वो मात्रक सर्वव्यापी होगा, वरना क्या होगा कि आप यहाँ से 100 मीटर कपड़ा खरीदा आपने, मतलब 100 मीटर बाई 1 मीटर का कपड़ा खरीदा, और यहाँ तो पैसा दिया आपने कितना, 50 रुपये मीटर स्क्वायर, अब आप अफ्रीका में जाके देखेंगे तो अगर आप हाथ से ही नापते रहे तो वहाँ पे आपका ये 100 मीटर कपड़ा 100 निकलेगा ही नहीं, हो सके 80 निकले, तो वहाँ आप 60 रुपये में भी बेचेंगे तो क्या पता वहाँ आपने बेचा, भाव बढ़ाया 10 रुपये, फिर भी आपने बेचा 4,800, और आपने यहाँ पे ख़रीदा था 5,000 का, तो भाव बढ़ाने के बाद भी आपको क्या हो गया, घाटा हो गया, लेकिन वो घाटा क्यों हो गया, क्योंकि आपके मात्रक का मान बदल गया, तो मात्रक क्या होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए, उसको बदलना नहीं है, ठीक है। एक पांचवा पॉइंट, कि मेरा मात्रक क्या होगा, भौतिक जो राशियां होती हैं उनसे अप्रभावित होना चाहिए, जैसे कि ताप, दाब, आर्द्रता, आर्द्रता, ठीक है। अब इस बात पर गौर करना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि ताप लगाने पर, अगर मैं इसको गर्म करूं, आग लगाऊं, सब तरफ से आग लगाऊं, तो ये छड़ मेरी गर्म होगी, इस छड़ के गर्म होने से क्या होता है, तापीय प्रसार होता है, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मान लो आप यूरोप से कपड़ा खरीद कर लाए हैं, तो वहाँ पे होगा 1 मीटर इतना, लेकिन आप ये कपड़ा बेचने चले गए अफ्रीका में, अब अफ्रीका में गर्मी है, ये वापस बढ़ के हो गया इतना, तो वही वाली बात हो गई ना, आपने यूरोप में जितना मीटर खरीदा था, यहाँ पे ये कपड़ा उतना मीटर निकलेगा ही नहीं,
यहाँ पे मात्रक बड़ा हो गया, यहाँ पर कपड़े की मात्रा कम मिल जाएगी आपको। तो आप मेरे को ये स्केल जिस भी पदार्थ से बनाना है, मेरे को कोशिश करनी होगी कि वो पदार्थ मेरा ताप से प्रभावित ना हो, या हो तो बहुत कम हो, ये एलोंगेशन बहुत कम हो। ठीक है, आपने ये बात नोटिस करी होगी कि हमारे जब खिड़कियों के दरवाजे हम बारिश में लगाते हैं तो वो टाइट हो जाते हैं। टाइट हो जाते हैं क्यों? क्योंकि उनमें सीलन के कारण प्रसार होता है। अब अगर ऐसे मैं मात्रक भी लकड़ी का बनाता तो वो भी क्या होता? प्रसारित होता, वो लंबा हो जाता। तो मेरे मात्रक का मान बदलना नहीं चाहिए। तो मेरा मात्रक क्या होना चाहिए? भौतिक राशियों, ताप, दाब, आर्द्रता आदि से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मित्रों हमने आज के इस लेक्चर में बात करी भौतिक राशियां एवं उनके मात्रकों के बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, अगले लेक्चर में हम इससे आगे देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।